हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आर्यन देवी ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। ठीक है फ्रेंड, तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं बाल धो के नहाई हूँ, तो मैं अभी नहा के बस आई हूँ। मैं तो आज मैं आप लोगों को तैयार होकर दिखाऊंगी कि मैं डेली रूटीन में किस तरीके से तैयार होती हूँ, नॉर्मल तरीके से, जिससे आप लोग भी अच्छे से तैयार हो सकते। ठीक है फ्रेंड, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा ब्लॉग लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी मेरा ब्लॉग पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, अगर आप गर्ल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्रीम है, देखिए बीको टर्मरिक क्रीम है फ्रेंड, इस तरफ से लिखा हुआ है। ये आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग लगाएंगे तो आपका चेहरे पे ग्लोइंग आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप ये वाला क्रीम ले सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है ये। इतनी बड़ी पाउच आपको 20 रुपये या 25 रुपये में मिल जाएगा है मार्केट में आसानी से, तो आप लोग ये ले सकते हैं। और ये विंटर में नहीं लगाना, अब तो विंटर जा रहा है तो मैं लगा रही हूँ, इससे पहले मैं ये लगाती थी। तो फ्रेंड थोड़ा सा लेंगे, देखिए इसका कलर जैसे हल्दी नहीं होता वैसे कलर का, पीला कलर का है। ठीक है, इसका छोटा पाउच भी आता है जो बहुत सस्ता आता है, वो भी ले सकते हैं आप लोग। इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लूंगी फ्रेंड। ठीक, और अपने नेक एरिया पे भी लगा लिया। फिर फ्रेंड गले पे अप्लाई करेंगे, इसको लगा लेंगे अच्छे से। अगर फ्रेंड विंटर होता ना तो आप लोग ये क्रीम लगाते तो प्रॉब्लम होती है, चेहरा फट जाता है। मेरा चेहरा तो थोड़ा वैसा है, फटने वाला फ्रेंड। और ये तो गया, जैसे कि गर्मी आ रही है तो आप लोग ये क्रीम लगाएंगे तो ग्लोइंग आए चेहरे पे। और ये वाला क्रीम है अगर ज़्यादा ठंड पड़ रहा है और, तो आप लोग ये लगा सकते हैं, इससे बेस्ट कोई क्रीम नहीं है। अगर होगा तो आप लोग महंगे रेट में लेते होंगे, पर ये बहुत सस्ता है, ये 10 रुपये में मिल जाता है फ्रेंड, ठंडी के लिए ही है। देखिए मैंने पूरा डब्बा खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं कि एक ही पूरी ठंडी चलाऊंगा, 2-3 मैंने लगा ली हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इसमें से लूंगी और फ्रेंड मैं अपने हाथों में लगा लूंगी, जिससे कि जब हम नहाते हैं तो हमारा हाथ वाइट वाइट हो जाता है ना फ्रेंड, तो उससे ये सही रहेगा इससे, और आपका हाथ रुखड़ा हुआ नहीं लगेगा। और आप इसको कहीं पे शरीर में बॉडी लोशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, देख सकते हैं। ये सिंपल रूटीन के लिए फ्रेंड, जैसे आप लोग कहीं नॉर्मल डे में रह रहे, कहीं भी जा रहे, कॉलेज स्कूल कहीं पर भी आप लोग, या जॉब करते हैं, तो आप लोग ये वाला नॉर्मल डे के साथ आप लोग तैयार हो सकते। ठीक है, देखिए फ्रेंड मैंने काजल लगा ली, ये लिप ग्लॉस है फ्रेंड, ये मुझे लिप ग्लॉस लगाते हुए मुझे लग रहा है 3-3.5 महीने हो गए होंगे फ्रेंड, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। कि आप लोग इसको विंटर में लगा सकते हैं और गर्मी में भी लगा सकते हैं, जिससे होंठ नहीं फटता है। लिपस्टिक लगाओगे तो होंठ फट सकता है, रोज यूज नहीं कर सकते आप लोग, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग अच्छी कंपनी का यूज करें तो लिपस्टिक बहुत अच्छा हो सकता है, बट ये बहुत सस्ता है। और फ्रेंड देखिए मैंने लगा लगा के खत्म कर दिया, मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं चलने वाला है ये। तो फ्रेंड अगर आप लोग गर्ल है या फिर आप लेडीज भी है तो आप लोग रोज में ये लगा सकते हैं, और बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं इसको लगा लूंगी थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड मैंने ये लिप ग्लॉस लगा ली हूँ। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर कोई लड़की 14 साल की है 16 साल की है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और उन गर्ल्स के ऊपर लिपस्टिक वगैरह बहुत अच्छा नहीं लगता है। मगर वो बच्चों के ऊपर है कि वो लड़कियां लगाना चाहती है लिपस्टिक या नहीं, बट डेली के लिए नहीं होता फ्रेंड। स्किन के लिए जो लिप्स होते हैं बहुत पतले होते हैं, उसके लिए वो बहुत बेकार होता है। ठीक है फ्रेंड, तो बच्चों को वो सब चीज डेली नहीं लगा, मगर लगा सकते हैं फंक्शन वगैरह, कभी कहीं घूम रहे, कोई त्योहार है,
कोई भी फेस्टिवल है बिग तो आप लोग लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मगर उसमें केमिकल होता है तो वो आपके स्किन को खराब कर सकता है। और मेकअप की बात हुई तो मेकअप भी अगर आप लोग नकली कंपनी के लगा रहे हैं तो मेकअप भी आपके चेहरे को खराब कर सकता है। इसलिए कोई भी, जैसे आप लोग नकली मेकअप भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक डे के लिए होना चाहिए कि हमको सिर्फ 2-3 घंटा रखना है, कोई बात नहीं, सस्ता है तो सस्ता है। अगर आप लोग उसको रोज यूज करेंगे और रोज मेकअप करेंगे नकली वाले, तो आपका स्किन जो नेचुरली बहुत अच्छा हो वो खराब हो जाएगा फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, मनीषा सचिन है, पूजा रुद्रा है, ये सब ना मेकअप का वीडियो दिखाते रहते हैं और उन सबके ब्लॉग में ज्यादातर वो मेकअप की ही बातें करते हैं और सजने संवरने का ही दिखाते हैं। बट वो लोग जितना कमाते होंगे शायद वो मेकअप में भी लगाते होंगे उसमें से, तो फ्रेंड इसलिए वो लोग अच्छी कंपनी का यूज करते हुए तभी दिखाते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही वो लोग करते हैं। बट वो सब चीजें, मतलब मेकअप करना जो होता है वो स्किन के लिए हार्मफुल भी डेली हो सकता है, इसलिए आप लोग को मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग कम ही मेकअप करें बट वो अपनी त्वचा के हिसाब से करें, नहीं तो आपका त्वचा खराब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेकअप करना उतना जरूरी नहीं होता फ्रेंड, जितना स्किन हमारा भगवान ने स्वस्थ हमको बनाया है वो स्किन ही स्वस्थ रहना चाहिए। उसको खराब करना मतलब फिर आप लोग खुद ही बोलते हैं मेरे, मैंने ये लगाया तो मेरा स्किन खराब हो गया, फिर कुछ और करवाते हैं जाकर आप लोग ब्यूटी पार्लर में, फिर और कुछ करा फिर उसका और रिएक्शन खराब होता है। इसलिए कोई भी चीज आप लोग पहले सर्च कर लें कि ये क्रीम कैसा है और इसको लगाने से क्या होता है। यूट्यूब पर तो आप लोग कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो बड़े यूट्यूबर हैं जैसे मनीषा सचिन, पूजा रुद्रा ब्लॉग्स जो भी हैं, ये सब महंगे क्वालिटी के खरीदते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग उनकी देखा देखी करना चाहते हैं तो आप लोग वही वाला मेकअप यूज कीजिए जो वो यूज करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप लोग अगर नकली सस्ता उनको देख के करेंगे तो आपका स्किन खराब हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं तो आपको कहूंगी कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सिर्फ होता है शादी पार्टी या फिर कहीं पर हम गए तो हमने यूज किया, बट डेली वेयर में नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब मैंने लगा ली हूँ और नैन पॉलिश है फ्रेंड ये, इसको मैं लगा लूंगी। तो फ्रेंड मैं लगा लूंगी नैन पॉलिश। तो फ्रेंड देखिए मैंने हाथों में भी नैन पॉलिश लगा ली और पैरों में भी लगा ली, और थोड़ा सा मैंने नैन पॉलिश लगाई तो मतलब कि मेरे हाथ पर सुंदर लगने लगे। अभी मैं दूसरा पहनना चाहती इसलिए मैंने पहले निकाल के रख दी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पहनूंगी, और थोड़ा सा लगा लेंगे तो लगेगा कि आप लोग बहुत बेस्ट मेकअप कर चुके हैं। ये वाला होता है नॉर्मल मेकअप जिससे आपकी त्वचा कभी खराब नहीं हो सकती। और अगर आपको बहुत अच्छा मेकअप करना है तो आप लोग उतना ही पैसा लगाइए जितना बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो मतलब मेकअप वाले वीडियो बनाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम लोग ये मेकअप कर रहे हैं महंगा है, तो आपको उसी प्राइस में लेना होगा क्योंकि वो सच में असली होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, इसलिए आपको वही लेना चाहिए। ये जो आप देखते हैं ना कि सस्ते में इतने कम में ये वाला मेकअप मिल गया, वो मिल तो जाता है मगर आपके चेहरे को भी बिगाड़ देगा। जैसे आपने कपड़ा देखा है ना, कपड़ा आप लोग सुना है कि 800 का चीज वहां पर 200 में मिल रहा है तो आप लोग भागे भागे जाते हैं, तो कपड़ा वो चलता भी नहीं है और 800 वाला कपड़ा बहुत दिन चलता है, वही वाला बात है फ्रेंड। ठीक है, स्किन भी आपकी डैमेज हो सकती है। और फ्रेंड देखिए मेरे इयररिंग्स है इसमें, वो जो अगर मेरा छठ वाला ब्लॉग देखा होगा, मेरे घर पे छठ पूजा हुआ था, मेरे पापा ने किए थे, तो उस टाइम मैंने ये पहना था इयररिंग्स। अगर आपने वो ब्लॉग मेरा नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहना था, बट मेरे को ना बड़े कान के इयररिंग्स रोज पहनना पसंद नहीं है, लोग के ऊपर बहुत अच्छा लग सकता है। देखिए ये वाला, ठीक है इसे पहनूंगी अभी, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं आपको दिखलाती हूँ। ये मैंने निकाल दी इसमें से,
इसको भी निकाल दूंगी। देखिए इसमें सिस्टम है कि आप लोग जो झुमका आपको दिख रहा है ना, ये झुमका इसको निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं भी निकाल सकती हूँ, और देखिए निकल गया ना। और फिर इसको मैं ऐसी कान में पहन लूंगी, ऐसे पहन सकती हूँ, वो पहनने के ऊपर है। पर मैं इसको इसमें मतलब इसी तरीके जिस तरीके से डिजाइन है इसी तरीके से पहनूंगी। मैं आपको बता रही थी देखिए कितना अच्छा है, जिसको ज्यादा नहीं पसंद है वो कम में भी पहन सकता है। तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी और इसको अब कानों में अप्लाई कर दूंगी अपने में। देखिए पहन गया, और अब इसको लगा दूंगी मैं पेच जो पीछे का होता है। देखिए देखिए लगा दी, अब ये वाला भी पहन लेती हूँ मैं। और फ्रेंड आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं फ्रेंड। और ये वाला मैंने आपको नॉर्मल रूटीन में बताया कि आप लोग इस तरीके से क्लीन दिख सकते हैं, और कहीं कॉलेज जाना हो या फिर कहीं पर भी अच्छी जगह पर जाना है तो आप लोग ये वाला तरीके से आप लोग डेली तैयार हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेकअप की वजह से लड़कियां सोचती हैं कि हमें बहुत भारी मेकअप करना चाहिए तभी हम अच्छे लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आलू भर की रोटी बनाने जा रही हूँ अपने लिए। ये सब तैयारी मेरी मम्मी ने की है, पर गरम गरम बना के भी खाऊंगी। ये आलू का फिलिंग है और ये आटा है। तो मैं अपने लिए 2-3-4 रोटी बनाऊंगी, बस नहीं आती। आलू के पराठे भी बोल सकते हैं हम लोग, तो फ्रेंड आलू भर की रोटी बोलते हैं। वैसे मुझे पता ज्यादा लोग आलू का पराठा बोलते हैं। तो फ्रेंड इसमें फिलिंग लूंगी मैं, देखिए एक फिलिंग भी अलग है, हमारे घर पे ऐसी बनता है बिहार साइड में। और इसको मैं इसमें भर दूंगी। देखिए ये तैयार हो गया, और एक और देखिए। इतना ली मैंने, इसमें भर दी। अब इसको बेलेंगे, हल्का हल्का बेलिएगा फ्रेंड ताकि फटे ना। देखिए बेल ली मैंने, अब इसको इस पर रख दूंगी। और एक और दिखाती हूँ आपको मैं। खा लूंगी और रोटियां बना लूंगी, 2 जन बनाने हैं। ठीक है, बाय फ्रेंड।